Hello children, I welcome you all on my channel Kokash Kidso. आज हम लोग करने वाले number 3 a surprise for grandma. यहाँ पर grandma को एक surprise मिलने वाला है, एक तोहफा मिलने वाला है. Let's see उनको कौन सा तोहफा मिलने वाला है. Okay, grandma, दादी. Okay, और नानी को भी हम grandma बोल सकते हैं. Sunday is a holiday. संडे छुट्टी का दिन है. सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा. अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक सोहन है और एक स्वीटी है. ये दोनों अपने ग्रैंडमा के घर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को मिलने गए हैं. अब देखो, ये जो है ये है सोहन छोटा बच्चा. ये क्या बोल रहा है अपने ग्रैंडमा को? हेलो ग्रैंडमा. और अपने ग्रैंडपा को क्या बोल रहा है? हेलो ग्रैंडपा. ओके, Grandma has been busy today. She has cleaned all the rooms. She has wiped all the windows. अब grandpa जो है वो grandma के बारे में कुछ बता रहे हैं. आज grandma ने क्या क्या किया उस बारे में. Grandma has been busy today. Has been busy today मतलब बहुत ज्यादा वो busy रही है आज दिन भर. अब busy क्यों थी? She has cleaned all the rooms. मतलब उन्होंने उस घर का सारे कमरों की सफाई की है, साफ सफाई की है. She has wiped all the windows. जो windows होते हैं अपने घर में, वैसे उनके घर में भी windows है, तो उसको पूरा उन्होंने wipe किया है, उसको ऐसे पोछा करके साफ किया है. Are you tired, grandma? इसका मतलब है वो बच्चा अपने grandma को पूछ रहा है कि आप थक गए हो. Tired मतलब आप थक गए हो क्या? Let's give grandma a rest today. तो क्या बोलता है? आज हम लोग सब लोग मिलके grandma को rest देंगे. Let's का मतलब क्या है? It is short form of let us. Okay? वो एक साथ contract करके लिखा गया है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? Like one word, let's. Okay? उसके बाद क्या हो गया? Just sit and have a rest. वो grandma को बोल रहा है, अब बस बैठकर आपको आराम करना है. Have a rest, आराम करना. Come on, Sohan. अब ये कौन बोल रहा है कमॉन सोहन? ग्रैंडपा. ग्रैंडपा बोल रहे हैं कमॉन सोहन, कमॉन स्वीटी. दोनों को बुलाया ग्रैंडपा ने. ग्रैंडपा, सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द किचन. यहाँ पे देखो ना, ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? स्वीटी को लेके जा रहे हैं ना, और उसके बाद वो सोहन को भी लेके जाएंगे, और अंदर जाकर वो लोग खूब सारा काम करने वाले हैं किचन में. अब देखते हैं वो क्या काम करने वाले हैं. दे आर बिजी. वो लोग आज बहुत बिजी है. पहले ग्रैंडमा बिजी थी, अभी ग्रैंडपा, सोहन एंड स्वीटी आर बिजी, राइट? दे आर वर्किंग इन द किचन नाउ. कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. ये दोनों बच्चे अपने ग्रैंडमा को किचन में बुला रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं. तो लेट्स सी क्या दिखाना चाहते हैं. ये देखो, डाइनिंग टेबल पे क्या क्या रखा हुआ है. ओह, सूप, सैंडविचेस एंड सैलेड. What a treat! ये कौन बोल रहा है? ये ग्रैंडमा बोल रही है, क्योंकि ग्रैंडमा के लिए तो ये एक पहला सरप्राइज हो गया है, right? इतनी सारी चीजें बच्चों ने और ग्रैंडपा ने मिलके सब तैयार करके रखी है. किनको आराम देने के लिए? ग्रैंडमा के लिए, right? तो ग्रैंडमा, do you like banana delight? तो ये उनको पूछ रहे हैं बच्चे कि आपको क्या बनाना डिलाइट अच्छा लगता है. वो एक स्वीट डिश होती है जो बनाना और मिल्क से बनती है. तो ग्रैंडमा क्या कहते हैं? ओह, आई लव इट. And now there's a surprise for you. अब बच्चों ने क्या किया है? कुछ लेकर भी आए हैं grandma के लिए surprise, है ना? यहाँ पे there's मतलब क्या है? There is. ये दो words को contract करके short form करके यहाँ पे लिखा गया है. And now there's a surprise for you. Grandma, open this parcel. ये देखो यहाँ पे फोटो में आप देख रहे हो, दोनों बच्चों ने ग्रैंडमा के लिए कुछ पार्सल लाया. उसके अंदर कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज है उनके लिए. ओह, अ मोबाइल फोन. व्हाट अ सरप्राइज. मतलब जो ग्रैंडमा है उनको वो मोबाइल फोन बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला ओह क्या सरप्राइज है. बट फिर ग्रैंडमा कुछ सोच कर ऐसे बोलने लगी, बट कुछ सोच में पड़ गई. Grandma, no buts now. I know your problem. You don't know
how to use this. But don't worry, we will all help you. मतलब अब ये जो है ना बच्ची, देखो माँ अपनी ग्रैंड माँ को बोल रही है कि हाँ मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ये चलाना नहीं आता, आपको पता नहीं है कैसे चलाते हैं, बट डोंट वरी वी विल ऑल हेल्प यू, बट आपको परेशान नहीं होना है, हम सब आपको मिलके हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? उनको मोबाइल फोन चलाना सिखाएंगे। ओके यहाँ पे देखो फटाफट ये क्या है, डोंट कैसे पढ़ेंगे, डोंट ये भी इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट, ये दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाकर लिखा गया है, तो आप कैसे पढ़ोगे, डोंट। ओके हेलो कोलू, आप कैसे हो? हाय, मैं अच्छा हूँ। अच्छा लगा आपको देख के, कुछ बोलना चाहती हो? हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बच्चों आप सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? अच्छे से पढ़ाई करना, ओके? अभी रीडिंग प्रैक्टिस में भी अच्छे से रीडिंग करना, मैं भी करूंगा, आप भी करना, खूब मजे करेंगे, ओके? बाय। सो कोलू एंड चिल्ड्रन, आर वी रेडी फॉर द रीडिंग प्रैक्टिस चिल्ड्रन? ओके लेट्स स्टार्ट। संडे इज अ हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे। सोहन एंड स्वीटी are going to visit grandma and grandpa. Sohan and Sweetie are going to visit grandma and grandpa. Hello grandma. Hello grandma. Hello grandpa. Hello grandpa. Grandma has been busy today. Grandma has been busy today. She has cleaned all the rooms. She has cleaned all the rooms. She has wiped all the windows. She has wiped all the windows. Are you tired, Grandma? Are you tired, Grandma? Let's give Grandma a rest today. Let's give Grandma a rest today. Just sit and have a rest. Just sit and have a rest. Come on, Sohan. Come on, Sohan. Come on, Sweetie. Come on, Sweetie. Grandpa, Sohan and Sweetie. Grandpa, Sohan and Sweetie. Walk in the kitchen. Walk in the kitchen. They are busy. They are busy. Come to the kitchen. Come to the kitchen. Grandma. Grandma, come and see. Come and see. Oh, soup, sandwiches and salad. Oh, soup, sandwiches and salad. What a treat. What a treat. Grandma, do you like banana delight? Grandma, do you like banana delight? Oh, I love it. Oh, I love it. And now, there's a surprise for you. And now, there's a surprise for you. Grandma, open this parcel. Grandma, open this parcel. Oh, a mobile phone. Oh, a mobile phone. What a surprise. What a surprise. But, Grandma, no buts now. Grandma, no buts now. I know your problem. I know your problem. You don't know how to use this. You don't know how to use this. But, don't worry. But, don't worry. We will all help you. We will all help you. Number 2, look and say. Dekho aur bolo. Has been what did for today us here. Here.
she, we, how, please, good children and very good Kolu, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो अगली बार जरूर बोलेंगे, okay children, now it's time for answer the following questions. A, who are going to visit grandma and grandpa? Grandma और grandpa को मिलने के लिए कौन आने वाला है? Answer, Sohan and Sweetie were going to visit grandma and grandpa. सोहन और स्वीटी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मिलने आने वाले हैं। बी, हु हैज बीन बिजी टुडे? आज कौन बिजी था? ग्रैंडमा हैड बीन बिजी टुडे। ग्रैंडमा आज बिजी थी। सी, वेयर डू ग्रैंडपा सोहन एंड स्वीटी वर्क? ग्रैंडपा सोहन और स्वीटी कहाँ काम कर रहे थे? आंसर, द ग्रैंडपा सोहन एंड स्वीटी वर्कड इन द किचन। ये लोग सब किचन में काम कर रहे थे। डी, व्हाट इज द सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा? ग्रैंडमा को क्या सरप्राइज मिला? अ फोन वाज द सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। ग्रैंडमा को फोन मिला सरप्राइज में जो बच्चों ने लाया था। ओके चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 4। हु सेड द फॉलोइंग, मतलब ये किसने कहा था? ऊपर की जो लेसन दी गई है उसमें ये किसने कहा था? ए, आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? आपको ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। बी, कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी, यहाँ पे ये किसने कहा था ये आपको लिखना है। सी, ओ अ मोबाइल फोन, ये किसने कहा था वो लिखिए। डी, बट डोंट वरी वी विल ऑल हेल्प यू, किसने कहा था ये लिखना है। ओके, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। आप ये वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर देना, ये कंप्लीट करके फिर आंसर्स चेक करना। ओके, आई होप बच्चों आपने आंसर्स लिख दिए होंगे। प्लीज आंसर्स करेक्ट कर लीजिए। ए, आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? सोहन, सोहन ने कहा था। कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी, ये कौन बोला? ग्रैंडपा ने बोला था। ओह, अ मोबाइल फोन, ये ग्रैंडमा ने बोला था। बट डोंट वरी वी विल ऑल हेल्प यू, ये स्वीटी ने बोला था। ओके, तो अगर आपने ये सब आंसर्स राइट लिखे हैं मीन्स वेरी गुड, और अगर कहीं पे आपकी गलती हुई है तो प्लीज इसको आप करेक्शन कर लेना। ओके, नंबर 5, हाउ कैन यू कीप द फॉलोइंग क्लीन? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप ये सब चीजें कैसे क्लीन रख सकते हो उसके तरीके आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी, तो बॉडी हम कैसे क्लीन रख सकते हैं उसके अलग अलग तरीके या बॉक्सेस में आपको लिखना है। सिमिलरली क्लोथ्स के तरीके लिखना है कैसे क्लीन रख सकते हैं, फिर हाउस हम कैसे क्लीन रख सकते हैं उसके अलग अलग तरीके, और फिर स्कूल कैसे क्लीन रख सकते हैं उसके अलग अलग तरीके। अभी आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब मैं आंसर्स दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, जो यहाँ पे आंसर्स रेडी है। हाउ कैन यू कीप योर बॉडी क्लीन? बॉडी, टेक बाथ डेली, कट नेल्स रेगुलरली, कॉम्ब हेयर, यूज हैंडकरचीफ, ये सब चीजों से हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। ओके, क्लोथ्स वॉश, उसको धोना है, गंदे क्लोथ्स को धोना है, ड्राई प्रॉपरली, ठीक से सुखाना है, फोल्ड प्रॉपरली, ठीक से घड़ी करना है, कीप योर वॉर्ड्रॉप क्लीन, जहां पे आप कपड़े रखते हैं पहले वो जगह तो क्लीन करनी पड़ेगी ना। होम, होम कैसे क्लीन रख सकते हैं? स्वीप फ्लोर, जमीन को हम झाड़ू मारें, रेगुलर डस्टिंग, हम डस्ट क्लीन करें, यूज डस्टबिन, घर में डस्टबिन यूज करें, घर में हवा सामान ना फेंके, कीप थिंग्स इन प्लेस, हाउस में हर घर में देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल, स्कूल कैसे क्लीन रख सकते हैं? यूज डस्टबिन, डस्टबिन तो हम यूज करना ही है, ठीक है, उससे हम स्कूल साफ रख सकते हैं। फ्लश आफ्टर यूजिंग द लू, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो हमको फ्लश करना चाहिए। ओके, पिक बिट्स ऑफ पेपर, अगर यहाँ वहाँ पेपर पड़े हैं तो आप उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं। डोंट लिटर, चीजों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ओके, गंदगी नहीं बढ़ानी है। आई होप आप लोगों ने राइट आंसर्स लिखे हैं। अगर आपके आंसर्स ये हैं या इस तरीके के हैं तो आपके आंसर्स राइट है। ओके, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे न्यू अपलोडेड वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।